लेते हैं पहले से ए बी सी, नाम दे दिया ऐसे, दे दो बेटे, देना चाहें तो डी। तो हमारा पॉइंट कहाँ से टूटा है बेटे, सी से टूटा, सी पॉइंट से टूटा, हमारा ब्रेक पॉइंट सी है ना। तो बेटे ये कह रहा है कि हमारे ग्राउंड से कितनी ऊंचाई से पेड़ टूटा है, अर्थात हमें जो ब्रेक पॉइंट है जो कि सी है, जो ब्रेक पॉइंट है बेटे उसकी क्या है, हमें बेस से हाइट निकालनी है कि कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो वो ऊंचाई कौन सी होगी बेटे, बीसी वाली हो गई, नहीं हो गई। तो बेटे जो चीज़ निकालनी होती है उसे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं ये बता रखा है हमने, तो क्या कर रहे हैं बेटे, सबसे पहले मान लो क्या है आंसर नंबर 24, मानो बेटे क्या है, लेट हाइट ऑफ ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट है बेटे यहीं से टूटा है, टूटा है ना, तो हाइट ऑफ ब्रेक पॉइंट फ्रॉम दी बेस वी, मान लेते हैं बेटे कितना है, हाइट पूछ रहा है तो मान ले क्या है हमारा एच मीटर, ठीक है, या और करके लिख लो किसकी मानी है बेटे, कौन सी दूरी निकालनी है, ब्रेक पॉइंट की अर्थात सी की निकालनी, कहाँ से, बेस से हाइट निकालनी, बी और सी निकालनी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे बी सी इक्वल कितना मान लिया हमने, एच मीटर, ठीक है। और यहाँ पर भी लिखना चाहें तो बेटे यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि बी सी मान लिया हमने एच मीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटे, और हमारे लिए थीटा दे रखा है 60 है बेटे, हमारे यहाँ पे वो ये सीधी सीधी हमने आपको बता रखा है कितना एंगल्स है, एक एंगल्स है, तो बेटे क्या करेंगे, तो एक ही ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, नहीं है, और एक ट्राइंगल से एक ही इक्वेशन बनी है, उसी से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो बेटे पहले मान लेते हैं क्या है हमारे लिए, तो हमने कहा था कि इसकी पूरी हाइट बेटे कितनी है, इसकी पूरी हाइट 12 है, और बी सी, बी सी वाली हाइट कितनी मान ली, एच मान ली, तो मेरी डी सी कितनी बच गई, डी सी, डी सी कितनी हो गई बेटे, क्योंकि डी सी इक्वल, डी सी क्या हो जाएगी बेटे, पूरी बी डी में से, बी डी में से माइनस कर दूं किसको, बी सी को, किसको, बी सी को, तो क्या हो जाएगा, डी सी इक्वल हो जाएगा बी डी, बी डी कितनी है बेटे मेरी 12 है, माइनस है तो माइनस बी सी, बी सी कितनी मानी है एच, तो मेरी डी सी क्या हो गई बेटे 12 माइनस एच मीटर, क्या हो गई बेटे मेरी 12 माइनस एच मीटर, ये वाली, यही तो बची हमारी 12 माइनस एच मीटर, ठीक है बेटे, यही बचेगी, नहीं बचेगी, क्योंकि पूरी जो पेड़ था हमारा, ट्री है, वो कितनी कुल हाइट हमारी 12 मीटर है, और जो बेटे जितनी ऊंचाई से टूटा है उसकी हाइट कितनी एच मीटर, तो बेटे जो टूटा हुआ पार्ट है उसकी कितनी होगी 12 माइनस एच। तो देखो बेटे यही पार्ट टूटा है ना डीसी, और यही पार्ट बेटे झुक करके ये बन गया है एसी, बना नहीं बना है भाई, जो टूटा हुआ पार्ट है वही तो नीचे झुक गया है, अर्थात जो डीसी की हाइट है वही हमारी किसकी होगी, एसी की हाइट होगी, नहीं होगी, क्योंकि यही टूट के तो नीचे झुक गया है, क्लियर है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए सी इक्वल डी सी है या नहीं है। तो देखो बेटे क्या कर सकते हैं, डी सी इक्वल ए सी, तो इक्वल कितना हो जाएगा बेटे, ए सी 12 माइनस एच मीटर, अर्थात मैं इधर लिख सकता हूं कि बेटे ये जो डी सी है, अर्थात जो टूटा हुआ पार्ट है हमारे ट्री का, पेड़ का, वही नीचे झुक गया है, तो जो बेटे जो हमारी डीसी की हाइट है वही हमारी क्या किसकी रहेगी, एसी की, तो ये भी कितने का है बेटे 12 माइनस एच है या नहीं है, क्लियर है। तो देखो बेटे अब इसमें क्या है, हमारे लिए एक एंगल दे रखा है, तो बेटे एक ट्राइंगल बनेगा, उसी ट्राइंगल को ले लेते हैं, तो ले लो कौन सा ट्राइंगल है बेटे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा है बेटे, ए बी सी है, तो देखो बेटे कौन सा एंगल दे रखा है बेटे 60 का, तो एंगल को ले लो 60 का, एंगल आ गया 60 इक्वल, साइड से ले लो बेटे, एक तो जो निकालनी है बी सी ले ली, दूसरी कौन सी बेटे, जो ए सी, ए सी भी दे रखी है, कि क्या दे रखी है 12 माइनस एच दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो बेटे ये ले लिया हमने कौन सी है, ए सी, तो क्या हो गया बेटे हमारा पी अपॉन एच, क्या हो गया P अपॉन एच, P अपॉन एच किसका रिलेशन होता है बेटे, साइन का, तो यहाँ पे हमारा ट्रिगोमेट्री साइन आएगा, रेशियो, सॉरी ट्रिगोमेट्री रेशियो आएगा साइन, तो क्या होगा साइन 60 इक्वल हो गया बी सी अपॉन ए सी इक्वल पी अपॉन एच, क्लियर है। तो देखो बेटे इस वैल्यू पुट करो, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटे हमारी √3/2 इक्वल बी सी, बी सी क्या बेटे मुझे निकालनी है एच है, ए सी, ए सी दे रखी है कितनी है बेटे 12 माइनस एच, यही दे रखी है बेटे, तो इसके बाद में क्या करना है बेटे, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटे, करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई बेटे, क्या हो जाएगा, टू का तो होगा एच से, रूट थ्री का होगा एस से, तो रूट थ्री का करेंगे 12 माइनस एच से, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री 12 माइनस एच इक्वल टू का कर दिया बेटे एच से, तो क्या हो गया बेटे ये 2h, क्या हो गया 2h, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे अभी आगे कैलकुलेशन देखते हैं, इधर देखें क्वेश्चन को अरेंज कर देते हैं बेटे हम, तो देखो बेटे आगे यही है, अब क्या कर लेते हैं रूट थ्री का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों से, तो रूट थ्री का 12 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 रूट थ्री, फिर रूट थ्री का करेंगे माइनस एच से, तो क्या आ जाएगा माइनस रूट थ्री एच, क्लियर, और इक्वल 2h, इक्वल हो जाएगा बेटे हमारा 2h, क्लियर है। जो चीज़ निकालनी है बेटे हमें उनको एक साइड में ले लेते हैं, इधर भी 2h है, इधर भी माइनस का रूट थ्री एच है, तो रूट थ्री एच को दूसरी साइड में ले जाते हैं, तो इधर बचेगा बेटे 12 रूट थ्री इक्वल क्या है 2h, और माइनस रूट थ्री एच को इधर दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा बेटे, कितना बचेगा रूट थ्री एच, ये बचेगा, तो क्या कर लेते हैं बेटे 12 रूट थ्री इक्वल दोनों में से h कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं बेटे, h कॉमन लिया इधर बच गया 2 प्लस इधर बच गया हमारा रूट थ्री, क्लियर है बेटे। हमने क्या रखा है, जो h निकालनी होती है उसे सिंगल कर लेते हैं, जो चीज़ निकालनी होती है उसे सिंगल कर लेते हैं, तो h को क्या कर लेंगे सिंगल, अर्थात 2 प्लस रूट थ्री को क्या ले जाएंगे दूसरी साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो क्या बचेगा हमारा h इक्वल 12 रूट थ्री, इसे दूसरी साइड में लेके आएंगे तो बेटे कहाँ पहुँच जाएगा ये डिवाइड में, क्या हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, यही बचेगा नहीं बचेगा, क्लियर है। और बेटे हमारी h इक्वल आ रहा है, लेकिन हमने एक चीज़ हम आपसे कह रखी है, चैप्टर और भी कराए हमने 6-7 और भी चैप्टर से बता रखा है कि नीचे कभी भी अनरूट वाला नंबर नहीं छोड़ा जाता है, तो क्या कर लेंगे अब इसके साथ में रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका बेटे हम रेशनलाइजेशन करेंगे, तो देखो बेटे करो h इक्वल 12 रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री, तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री, यही होगा h इक्वल 12 रूट थ्री का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 12 रूट थ्री 2 माइनस रूट थ्री अपॉन बेटे क्या हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कौन सा एक क्वेश्चन वो लग रहा है फॉर्मूला हमारा, यहाँ लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल क्या होता है बेटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, तो लगाओ बेटे ए स्क्वायर दोनों में ए क्या बेटे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे 4, ए स्क्वायर ए का काम क्या कर रहा है बेटे 2 क्या किसका काम कर रहा है ए का, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, फिर माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या बेटे रूट थ्री हमारी बी है, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा बेटे 3, यही बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। अब करो बेटे आगे h इक्वल रूट थ्री 12 रूट थ्री का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं इनका, तो हम क्या कर रहे हैं बेटे 12 रूट थ्री का मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं 2 से, तो कितना हो जाएगा बेटे 24, 12 का 2 से किया तो कितना होगा 24 इंटू रूट थ्री, क्लियर, माइनस है तो बेटे माइनस 12 रूट थ्री का मल्टीप्लाई रूट थ्री से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 12 इंटू थ्री, क्योंकि रूट थ्री का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है बेटे 3, क्लियर है। अपॉन में कितना बच रहा है 1, कितना बच रहा है 1, तो इसका तो कोई मीन है ही नहीं बनका, तो देखो बेटे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो 24 का करेंगे इंटू रूट थ्री से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटे 1.732, वैल्यू पुट कर दिया रूट थ्री की जगह पे 1.732, माइनस का साइन है तो बेटे माइनस का कर दिया, 12 का करेंगे 3 से कितना आ जाएगा बेटे 36, कितना आ गया 36, तो 1 तो नीचे लिखेंगे नहीं क्योंकि बेटे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं है, 1 से तो डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं होता है, क्लियर है। तो बेटे अब इसका मल्टीप्लाई करो 24 का मल्टीप्लाई करो 1.732 से, तो मल्टीप्लाई किया बेटे इसका 24 का, तो देखो हम काट देते हैं आपने नहीं किया हो तो कितना आएगा बेटे 41.568, कितना आएगा 568 माइनस 36, क्लियर है। तो माइनस करो बेटे कितना हो जाएगा h इक्वल आ जाएगा पॉइंट वाले नंबर्स तो बेटे यूँ ही रहेंगे, पॉइंट वाले जैसे नंबर तो यूँ ही रहेंगे,
41 में से 36 गया तो कितना बच गया बेटे 5, और किस में आ जाएगा बेटे मीटर में। एच आ गई, हमें क्या करनी थी, एच निकालना था कि हमारा जो ब्रेक पॉइंट है वो बी से कितनी ऊंचाई पर है, कितनी हाइट पर है, यही हाइट निकालनी थी बी सी, तो हमने निकाल दी बेटे एच इक्वल कितना है 5.568 मीटर। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे इसमें, ठीक है नहीं है। तो हमने क्या किया था बेटे, ओनली हमारे लिए एक एंगल दे रखा, तो एक ही हमने ट्राइंगल बना था, एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बना था बेटे, इक्वेशंस भी एक ही आई थी, कौन सा, साइन 60 बी सी अपॉन ए सी इक्वल पी अपॉन एच। क्लियर है, वैल्यू पुट कर देगा, ओनली कैलकुलेशन कर देगा बेटे, हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है नहीं है। तो एक चीज़ याद रखना बेटे, मैं हर बार पहले भी और क्वेश्चंस कराएं उसमें बता चुका हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी ही लें, हम यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, कोसेक 60। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो बेटे ये तो हमारी साइड, तो अगर हम जब ए सी अपॉन बी सी लेते तो यहाँ पे क्या आ जाता, एच अपॉन पी, एच एच अपॉन पी किसका रिलेशन होता है बेटे, कोसेक का, तो कोसेक आ जाता साइन की जगह पे, ठीक है नहीं है। तो क्या बेटे यहाँ तक समझ में आया, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो बेटे इसे नोट कर लेना, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम की समाधान आप तक पहुँचा सकें। और बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।